गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल बॉटनी स्टूडेंट्स को आपका जो सेवन्थ पेपर है एम्ब्रियोलॉजी, उसके अंदर आज अपन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी का। इसमें मैंने कुछ पीडीएफ नोट्स आप लोगों को डाले हैं, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस पर मैंने आपको सेंड किए, आप उनको पढ़िए। अब मैं इसके वीडियो जो है वो आपको दे रहा हूँ। तो इसमें एम्ब्रियोलॉजी जो पार्ट है एम्ब्रियोलॉजी, स्टूडेंट्स एम्ब्रियोलॉजी जो भाग है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किन चीजों के बारे में, पूरा जो रिप्रोडक्शन साइकिल है अपन स्टडी करेंगे एम्ब्रियोलॉजी और एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो पूरा रिप्रोडक्शन जो साइकिल है उस रिप्रोडक्शन साइकिल के अंदर जैसे मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेल गैमेट की स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ कुछ जो टॉपिक जैसे पार्थेनोकार्पी क्या है, एपिमिक्सिस क्या है, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या है, उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये जितना भी पार्ट है ये पूरा पार्ट किसके अंतर्गत आएगा, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आएगा। एक जो टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोजेनी दोनों डिफरेंस क्या होगा, एम्ब्रियोजेनी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, यानी जाइगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो भाग कहलाता है एम्ब्रियोजेनी। और बाकी जितने भी भाग हैं इसके, जितने भी पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट हैं, मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी जितने मैंने आपको बताए वो सारे इंक्लूड होते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। इट मीन्स एम्ब्रियोजेनी इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोजेनी के अंदर हम केवल और केवल क्या स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो स्टूडेंट्स इस एम्ब्रियोलॉजी भाग के अंदर आज मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट मीन्स जो मेल गैमेटोफाइट है उस मेल गैमेटोफाइट की संरचना क्या है और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर बेसिक भाग जो अपन समझेंगे वो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फ्लावर है उस फ्लावर में एंड्रोशियम जो भाग है उस एंड्रोशियम का एक जो पार्ट है वो भाग क्या कहलाता है, इसका स्टेमन पार्ट है। और इस स्टेमन पार्ट के अंदर ये इसका फिलामेंट भाग हो गया, फिलामेंट, ये इसका एंथर पार्ट होगा और ये कनेक्टिव, कनेक्टिव भाग। इन तीन चीजों से मिलकर के इसका स्टेमन भाग बना है। मेल गैमेट का जो डेवलपमेंट है या जो नर युग्मक बनते हैं, जो मेल गैमेट्स बनते हैं, उन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कहां पर होगा, इस एंथर भाग के अंदर होगा। तो जो एंथर है इस एंथर का यदि हम सेक्शन काटते हैं तो इस एंथर के अंदर हमें क्या संरचना इसके अंदर हमें नजर आती है। तो जो एंटर भाग है जनरली अगर हम एंटर का सेक्शन काटते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर किसी मेच्योर एंटर के अंदर हमें नजर आएगी, यानी इस प्रकार से ये भाग प्रेजेंट होगा। तो ये जो भाग इसके अंदर बन रहा है, इस भाग के ये जो चार कॉर्नर है इस जगह पर चार क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, चार माइक्रोस्पोरेंजियम। और इन चार माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उस स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर मियोसिस डिवीजन होकर के फॉर्मेशन होता है किनका, माइक्रोस्पोर का, या हम इनको बोलेंगे पोलन ग्रेन, क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो जो
पोलन ग्रेन्स बनते हैं। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट है उन्हीं सेल्स के द्वारा फॉर्मेशन होता है किसका, मेल गैमेट्स का। तो इसमें हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो यदि हम इस एंथर का सेक्शन काटते हैं और अगर हमें ये दो लोब्स का बना हुआ नजर आता है, मींस इसमें एक लोब ये भाग हो गया हाफ और एक लोब ये भाग हो गया और इसके अंदर चार क्या हो गए, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का जो एंथर होता है, इस एंथर को हम बोलते हैं डाइफिकस प्रकार का, डाइफिकस प्रकार का। कुछ जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर, जैसे मालवेसी फैमिली है तो उसमें केवल एक ही लोब प्रेजेंट होता है और दो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है, मीन्स वो कैसा हो गया, बाइस्पोरेंजियम कंडीशन उसके अंदर है। और ये क्या कहलाते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोथिकस कंडीशन, ये कहलाएगी मोनोथिकस कंडीशन इसको हम बोलते हैं। लेकिन कुछ जो फैमिलीज हैं उनके अंदर सिंगल लोब प्रेजेंट होता है और उस सिंगल लोब के अंदर केवल एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, यानी वो टेट्रास्पोरेंजियम बाइस्पोरेंजियम न होकर के कैसी बनती है, मोनोस्पोरेंजियम प्रकार की बनती है। तो उसका जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या कंडीशन होगी, मोनोस्पोरेंजियम कंडीशन, जिसमें केवल एक ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये पाया जाता है किसके अंदर, आर्सिथोबियम के अंदर, आर्सिथोबियम के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर बन रही है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट यू स्पोरेंजियम प्रकार का होता है, मीन्स जो स्पोरेंजियम है उनका डेवलपमेंट दो प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है, या तो लेप्टोस्पोरेंजियम प्रकार का, लेप्टोस्पोरेंजियम, या यू स्पोरेंजियम प्रकार का, यू स्पोरेंजियम प्रकार का डेवलपमेंट। मीन्स इनमें जो डेवलपमेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम का वो कैसे है, यू स्पोरेंजियम प्रकार का। तो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट यदि ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा यदि हो रहा है, एक से ज्यादा सेल्स अगर स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, इट मींस वो डेवलपमेंट क्या है, यू स्पोरेंजियम प्रकार का डेवलपमेंट है। और यदि स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन या इसका डेवलपमेंट सिंगल सेल से अगर होता है तब ये डेवलपमेंट क्या कहलाता है, लेप्टोस्पोरेंजियम प्रकार का डेवलपमेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट इसके अंदर आप देखिए जो एंथर भाग है, इस एंथर भाग के अंदर ही फॉर्मेशन होगा मियोसिस रीजन के बाद में किसका, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के द्वारा डेवलपमेंट होगा इस भाग का, मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये अपन जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है, इन एंजियोस्पर्म के अंदर ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इनमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन वाली जो कंडीशन है इसके अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन मींस द्वि निषेचन, यानी यहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो दो बार होगा। तो इन पोलन ग्रेन्स के अंदर दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से एक मेल गैमेट जो भाग है वो एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा और एक जो मेल गैमेट भाग है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो जाता है, जो बाद में चलकर के फॉर्मेशन करता है एंडोस्पर्म भाग का। और जो मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज होता है वो फॉर्मेशन कर देता है किसका, जाइगोट भाग का, जो आगे चलकर के फॉर्मेशन करेगा किसका, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो भाग इसके अंदर बन रहा है, एंथर जो भाग इसके अंदर बन रहा है, इस एंथर के स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी लेयर्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और उन लेयर्स का क्या फॉर्मेशन फंक्शन इसके अंदर होगा, तो कौन कौन सी लेयर्स इसके अंदर बनेंगी और किस प्रकार से बनेंगी, ये भाग इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें आप देखिए कि जो फ्लावर पॉइंट है,
ये फ्लावर पार्ट क्या होता है, ये हम जानते हैं कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड फ्रूट पार्ट है, मीन्स उसमें नोड और इंटर नोड्स प्रेजेंट है, जिनके प्रत्येक जो लोड भाग है उसके ऊपर चार जो बॉल लाइंस के अंदर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पर नोड भाग के ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, एंड्रोसियम पार्ट का, मीन्स जहां पर स्टेमन भाग का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें जहां पर नोड भाग प्रेजेंट है उस जगह पर पाए जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन होकर के और इस प्रकार से ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी इनिशियल इसके अंदर क्या होगा कि जहां पर एंड्रोसियम या स्टेमन भाग बन रहे हैं उस जगह पर पाए जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उनकी नेचर जो है वो कैसी होती है, डिवाइडिंग नेचर होती है। तो यहाँ सेल्स डिवाइड होकर के एक ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और यही सेल्स फिर इसके अंदर एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती हैं। यानी जो सेल्स हैं ये बार बार डिवाइड होंगी और एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। अब इनमें जो लोअर पार्ट है ये लोअर पार्ट तो फॉर्मेशन कर देता है किसका, जो स्टेमन से फिलामेंट भाग का। अब इसमें जो एपिकल सेल है ये एपिकल सेल भाग अब बार बार डिवाइड होकर के यहां पर इस फिलामेंट पार्ट के ऊपर ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये सभी सेल्स एक ही प्रकार की होती है, मींस इन सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो इसके अंदर बन जाती है किस बात के ऊपर, फिलामेंट के ऊपर। अब यहाँ जो सेल्स इसके अंदर बन रही है जो इनिशियली इसके अंदर कैसी संरचना में नजर आ रही है, ग्लोबुलर संरचना हमें नजर आ रही है, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट जब इसका होता है तो उस फर्दर डेवलपमेंट के अंदर इसकी जो लेटरल साइड्स हैं ये लेटरल साइड्स अंदर की तरफ दबती हैं और यही संरचना फर्दर इसके अंदर किस प्रकार की लोब्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये लोब्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इनमें सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहर की तरफ जो लेयर्स भाग इसके अंदर प्रेजेंट होगा ये भाग इसके अंदर क्या बन जाता है, एपिडर्मिस बन जाता है और बाकी जितनी भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स इनके अंदर एक ही प्रकार के हैं, मींस ये ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन इसके अंदर होगा। तो यहां तक जो डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट में सेल्स में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। यानी जो आउटर मोस्ट है ये तो लेयर होगी कौन सी, प्रोटेक्टिव लेयर मींस एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होगी और बाकी जो सेल्स हैं वो सभी सेल्स इनके अंदर एक ही प्रकार की प्रेजेंट होती है। अब फर्दर जो डेवलपमेंट होगा उस फर्दर डेवलपमेंट के अंदर जहां पर इसमें ये लोब भाग का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर लोब्स बन रहे हैं उनमें एपिडर्मिस से नीचे की जो सेल्स हैं ये नीचे की जो सेल्स हैं इनमें कुछ जो सेल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव प्रकार के बन जाती हैं और ये क्या बनाती हैं, आर्ची स्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। यानी एपिडर्मिस के नीचे जो चार कॉर्नर हैं उनमें ये सेल्स फॉर्मेशन कर देती हैं, आर्ची स्पोरियल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। अब इस आर्ची स्पोरियल सेल के अंदर अब इसके अंदर एक डिवीजन होता है कौन सा, यानी ये जो सेल है अब ये पेरिक्लिनली डिवाइड होती है और पेरिक्लिनली डिवाइड होकर के ये टू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, दो सेल्स में वो इसके द्वारा बनेगी और डिवीजन हुआ कौन सा, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो एक तो इसमें जो आउटर जो सेल है जो एपिडर्मिस की तरफ प्रेजेंट है ये वाली जो सेल है ये कहलाती है इसके अंदर प्राइमरी पैराइटल सेल, ये होगी प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की तरफ जो सेल है ये कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फंक्शन होता है। अब इनमें स्टूडेंट आप देखिए जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इस प्राइमरी पैराइटल सेल के अंदर फिर जो डिवीजन होगा
वो डिवीजन फिर इसके अंदर कैसा होता है, पेरिक्लिनल प्रकार का डिवीजन होता है। तो ये वाली जो सेल है ये फिर दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, और नीचे की तरफ जो सेल है ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल रहेगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल रहेंगे, और ये दो क्या बन गई, पैराइटल सेल बन गई। अब इनमें जो आउटर पैराइटल सेल है, ये आउटर पैराइटल सेल अब एंटीक्लिनली डिवाइड होगी, यानी इसमें जो डिवीजन होंगे वो कौन से होंगे, एंटीक्लिनल प्रकार के डिवीजन होंगे, और ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस से ठीक नीचे एंडोथीसियम लेयर का फॉर्मेशन करेगी, और जो इनर पैराइटल सेल है इस इनर पैराइटल सेल के अंदर स्टूडेंट्स अब एंटीक्लिनल एज वेल एज पेरिक्लिनल डिवीजन होंगे, और इससे यहां पर 5 to 6 लेयर्स जो है वो सेल्स की इसके अंदर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगी। तो यदि हम इस बात की स्ट्रक्चर देखें तो ये संरचना इनके अंदर इस प्रकार की बन जाती है। इसका जो आउटर पार्ट है ये एपिडर्मिस लेयर होगी, और इस एपिडर्मिस लेयर के नीचे जो आउटर पैराइटल सेल है ये रेडियली इलोंगेटेड प्रकार की सेल्स का फॉर्मेशन करती है, मींस यहां पर इसके द्वारा फॉर्मेशन हो गया इसका एंडोथीसियम लेयर का, और इनर जो पैराइटल है उसके द्वारा यहां पर 3 to 4 लेयर्स जो है वो सेल्स की बनेंगी। तो ये जो सेल्स यहां पर बन रही है इनमें से आउटर जो लेयर्स हैं ये तो इसके अंदर फॉर्मेशन करती है इसका प्राइमरी मिडल सेल, जो मिडल लेयर है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है इसके अंदर ये सबसे इनर मोस्ट लेयर यहां पर फॉर्मेशन करती है किस बात का, एंडो सॉरी टेपेटम लेयर का फॉर्मेशन करती है, अंदर की तरफ टेपेटम बनेगी और फिर इसके अंदर ये मिडल लेयर होगी, ये टेपेटम लेयर बनेगी, यहां पर ये एंडोथीसियम प्रकार की लेयर बनेगी एंडोथीसियम, और ये लेयर होगी इसके अंदर एपिडर्मिस लेयर एपिडर्मिस। अब इनमें जो प्राइमरी यहां पर स्पोरोजिनस सेल है इसमें इरेगुलर टाइप के डिवीजन होते हैं, और इसके द्वारा यहां पर क्या बन जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है जो क्या कहलाएगा, स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाएगा। यानी इस प्रकार से ये क्या बन गई, माइक्रोस्पोरेंजियम बन गई। तो जो एंडर है उसके चारों कॉर्नर पे इसी प्रकार से चार क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाते हैं। ये भाग हो गया इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्ट्रक्चर इनके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसमें जब लास्ट डिवीजन हो जाता है या ये सेल्स जब डिवाइड होना बंद हो जाती है तब इसमें से प्रत्येक जो सेल है इस स्पोरोजिनस की वो प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती है, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अब जो डिवीजन होगा वो डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन होने से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहां पर क्या बनते हैं, टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, मींस इस जगह पर चार क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर या चार क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, और इन्हीं के द्वारा आगे चल करके फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, बेल गैमेट का। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो एंथर भाग है उस एंथर भाग के अंदर किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा इनका, पोलन ग्रेन्स का। तो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट यहाँ पर होगा, और इनमें आगे फर्दर मेल गेमेट कैसे बनेंगे, इनमें एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडल लेयर टेपेटम इनकी संरचना क्या है लेयर्स की, और इन लेयर्स का मुख्य फंक्शन क्या होगा, ये क्या कार्य करती है, वो अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।